इनवायरमेंट एक इन्नी स्ट्रोंग चीज़ है कि जिहड़ी कि जीन्स नू बीट कर सकती है। सपोज करो तुहाडे विच कोई जीन्स हैगे आ जिहड़े बाइपोलर दे जीन्स है, जिहड़े एडिक्शन दे जीन्स है, जिहड़े स्किज़ोफ्रेनिया दे जीन्स है, जां हार्ट प्रॉब्लम दे है, जां डायबिटिक दे है, पर जे तुहाडा इनवायरमेंट ठीक हो गया ना, तुसीं ठीक इनवायरमेंट च अपनी परवरिश पा ली, तो ये सारिया दियां सारिया बीमारियां जिहड़ियां तुसीं इन्हां दे उपर इन्हां नूं रोक सकोगे एंड इन्हां सारिया बीमारियां दी मार तो बच सकोगे। हुण जे असीं सफ़र भी कर रहे हैं पर साडे बच्चों वास्ते कल नूं ये चीज़ आउण वाली है कि उन्हां दे जीन्स उन्हां दे अंदर हैगे है, तुसीं जीन्स नूं चेंज नहीं कर सकते पर तुसीं इनवायरमेंट चेंज बच्चों का कर सकते हो कि बच्चे कित्थे रहन, किन्हां च रहन, तुसीं घर का इनवायरमेंट किहो जिहा रखना। घर का इनवायरमेंट इन्ना सेफ वाला नहीं होना चाहिए कि बच्चा बाहर भजन नूं करे, तो जे बच्चा बाहर जाए तो बच्चों का इनवायरमेंट किहो जिहा होए कि वो इस तरीके ना, क्योंकि इनवायरमेंट एक इहो जी चीज़ है जो मर्जी तुसीं कर लो, जिन्ना मर्जी कोई बंदा स्ट्रोंग है ना दुनिया च, जे वो कहिंदा ना कि मैं इस इनवायरमेंट च रह के भी अपने आप नूं स्टेबल रख सकदा, इहदा मतलब वो बहुत वड्डा झूठ बोल रहा है। इनवायरमेंट तों उपर कोई चीज़ ही कोई नहीं है। ऑलवेज बी कॉन्शियस अपने इनवायरमेंट नूं ना, जिस तरह तुसीं अपने बिहेवियर दे उपर हर वेले नज़र रखनी है, इस तरह ही अपने इनवायरमेंट दी चोन जिहड़ी है, सिलेक्शन ऑफ योर एनवायरमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परवरिश ऑफ सोचा, मूड दे उपर ऑबजर्व करना, एवेल्युएट करना एंड जिहड़ा बिहेवियर है इहदे उपर नज़र रखनी एंड एनवायरमेंट दी सिलेक्शन, ये सारिया चीज़ा इन्निया इंपॉर्टेंट है कि तुहानू समझ आ जाती है कि तुसी इनवायरमेंट, तुसी जे तुहानू कोई भी एहो जी चीज़ किसी इनवायरमेंट च लगती है कि जिहड़ी कि तुहाडी जिंदगी दे विच किसी भी डिजीज़ जां बीमारी जां तुहाडे अंदर कोई एहो जी खलबली मचा सकती है, इमीजिएटली लीव दैट इनवायरमेंट। यू आर नॉट बिगर दैन योर इनवायरमेंट। संगत है ना, संगत संगत का असर होंदा। बहुत सारे लोग अपने आप नूं ना ओवर स्मार्ट समझते हैं, खास करके मेनिक जां जदों ड्रग्स लै लैंदे आ ना, तो अपने आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि असी जावांगे पार्टी च, असी पार्टी इंजॉय करांगे, फन इंजॉय करांगे, रातां जागांगे, जो मर्जी करिए, पर उन्हां दा असर साडे ते नहीं चढ़ेगा। ये एक बहुत ही वड्डी नोशन है। एनवायरमेंट इज़ मच स्ट्रोंगर दैन योर जीन्स। योर जीन्स कैन बी बीटन विद योर एनवायरमेंट। एंड देखो ये तुहाडे हाथ च है, सिलेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज़ इन योर हैंड। ये नहीं तुसी कह सकते, ब्लेम कर सकते कि मेरे अंदर जीन सीगियां, मैं की करता, मैं ये करता कि मैं अपना एनवायरमेंट सिलेक्ट कर लैंदा, क्योंकि जिस एनवायरमेंट तुसी बैठना शुरू करता ना, जे तुसी लिटरेरी बंदियां च बैठे तुहानू लिटरेचर आ जाना, जे तुहानू सोबर बंदियां च बहना शुरू करता तुहाडे अंदर सोबराइटी आ जानी है, जे तुसी रिकवरी वाले बंदियां च बहना शुरू करता तुहाडे अंदर रिकवरी आ जानी है, एंड जे तुसी चैनी खैनी वाले बंदे बहना शुरू करता तुहाडे अंदर मुँह च चैनी खैनी आ जानी है। कोई दुनिया की ताकत हैगी है कि तुसी चैनी खैनी वाले पांच बंदे बैठे हो तो मुँह च चैनी खैनी ना हो? इन्ना एनवायरमेंट मैटर करता है।